Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिल्कुल, और खास तौर पे जिस घर में मर्द ना होना तो काम दुगने हो जाते। आंटी दुगने नहीं तिगने काम हो जाते हैं, घर के काम, शॉपिंग, बाहर के काम, बहुत काम होते हैं आंटी। अभी आई नहीं, जब मैं बताऊंगा उसके बाद आएगी और उसके बाद तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। देख टीकू, ये तू बेईमानी कर रहा है। अभी ये है ही बेईमान, तूने देखा नहीं था गेम के अंदर कैसे हाथ की सफाई दिखाता था ये। टीकू तुमसे तो बात करना ही फजूल है। चलें आप इससे बात कर लें, ये बड़ा साइंसदान है, इसने क्या बताना है, इसने ये कहना है कि जी आलू 50 रुपए। कैसी हैं आप नरगिस आपू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक। आज आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप एक मिनट मेरा आती हैं? जी मेरा हूँ। कैसी हूँ नरगिस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुमने कैसे पहचाना मुझे? इन लोगों ने आपकी बहुत सी तस्वीरें दिखाई थी। अरे वो तो बहुत पुरानी है। लेकिन आप बिल्कुल पुरानी नहीं हुई। पर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, आलिया कहाँ है? कुछ देर पहले ही गई है वो, उसे कुछ चीजें लेनी थी। अच्छा अच्छा ठीक है। असल में मेरा और आलिया का रिश्ता तय हो गया है और हम शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गए, लेकिन शादी में जरूर बुलाना है आपको। मेरी बीमारी का पूछने तो आई नहीं तुम लोग, अगर शादी पे नहीं बुलाती ना तो फिर पूछती मैं तुम दोनों को। लेकिन खैर बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा चलो आप लोग बात करो, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लेके आती हूं। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम दोनों तो अपनी शादी की तैयारियां कर रहे हो, नाजिया के बारे में नहीं सोचा? बहुत बुरी बात है। हम तो चाह रहे थे नाजिया की भी हमारे साथ शादी हो जाए, लेकिन लड़का अभी बेरोजगार है। अरे नाजिया लड़का? मुझे नहीं पता कौन वो लड़का। फराद। फराद? अरे यार वो तो बहुत अच्छा लड़का है। तुम लोग किसी तरह बात शुरू करो, काम तो मिल ही जाएगा। जी ये काम हमने हमारे आप ही पे छोड़ दिया है, वो ही कर सकती हैं। वैसे एक बात है, अगर तुम तीनों की शादी एक साथ हो जाए ना तो बड़ा मजा आएगा। जी आप ही, पर नाजिया ना मान नहीं रही है। क्यों भाई? पता नहीं, वो अभी मना कर रही है कि उसको शादी नहीं करनी। पागल है, इतना अच्छा लड़का है हाथ से निकल गया तो? वो सुनती ही नहीं है। चले जी आप लोगों की गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपी। वैसे मैंने हुमैरा आपी आपसे एक बात करनी थी। इन दोनों की शादी तो हो रही है, आप नाजिया के साथ क्यों नहीं कर रही थी? हाँ हाँ बात हुई है मेरी फाखरा आंटी से, वो ढूंढ रही है उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता। चलिए इंशाल्लाह। आप अपने लिए चाय नहीं लाई? नहीं यार मैं सुबह से 2-3 दफा पी चुकी हूँ। आओ आओ दुल्हन। अम्मा जान ये बताएं, सही से नींद आ गई थी आपको? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे मेरा अपना घर है, काहे की तकलीफ होती, आराम से सोई थी मैं। ये तो आपकी मोहब्बत है। सच पूछो तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके यहाँ रुकने की। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बस आज हारून बहुत याद आ रहा है। अम्मा याद तो मुझे भी बहुत आ रही है, लेकिन क्या किया जा सकता है, जाने वाले की यादें ही रह जाती हैं सिर्फ। सही कह रही हो दुल्हन, अब तो जाने वालों की यादों के सहारे ही जीना पड़ेगा। अम्मा आज आपके यहाँ रुकने से मुझे बहुत हौसला मिला है। अगर आप लोग नहीं होते ना। अरे छोड़ो ना, इसमें रोने वाली क्या बात है? देखो तुम तो बड़ी हौसले वाली हो, मैं तो हमेशा दुल्हन से भी यही कहती हूँ कि देखो हारून की दुल्हन का कैसा हौसला है, सब कुछ कैसे लेके चल रही है। लेकिन अम्मा मेरा हौसला खत्म हो रहा है। छोड़ो रोना धोना, छोड़ो अब क्या फायदा रोने से, इतना ना रो। अच्छा छोड़ो सारी बातें, ये बताओ कि आज क्या पका रही हो? अम्मा आप क्या खाने में पसंद करेंगे, मैं वो ही बना लूंगी। देखो दुल्हन अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ में ऐसी लज्जत दी है, जो कुछ भी बनाओगी ना अच्छा ही बनेगा, और मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। अम्मा आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, मैं बनाती हूँ।
पे क्या सोच रहा है? लगता है आलिया ने तुम्हारी सफाई को कोई अहमियत नहीं दी। आलिया जी मिलेंगे तो पूछ लूंगा। सही कह रहा वैसे तू। अबे तूफान। अरे कौन सा तूफान? तू और तेरी जान के दरमियान जो तूफान है वो तूफान। अबे कौन सा तूफान, खुल के बोल यार। आलिया की आप ही आ रही है। अबे मुझे कहीं छुपा ले यार टीपू। तुझे कैसे छुपा लूं, तुम्हारे पीछे तो बंदा खुद छुप के ना कपड़े बदल सकता है। यार देख मुझे चंगी बुनियादों पे जल्दी से छुपा ले यार। बड़ा क्यों जा रहा है, क्या कह देगी वो? अबे छुपाना यार। चल चुप कर, मैं हूँ ना, छुप जा मेरे पीछे। चुप 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 चुप। आ गई आ गई। तुम टीपू हो अज्जू के दोस्त? अज्जू 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 नहीं, कोई छुप थोड़ी रहा था। अभी तुझे पता मैं झूठ नहीं बोलता ना। तुझे आज ही सच बोलना था, तुझे भी इतने सच का दौरा पड़ना होता जिस दिन मैं फंसा होता हूँ। मुझे पता चला है कि तुम घर पे आए थे। नहीं आपी, आपको गलतफहमी हो गई, घर पे आना तो दूर की बात, मैं तो आपकी गली के पास से भी नहीं गुजरा, बल्कि दरवाजे की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। बताइए टीपू। तुम सोचना भी नहीं अज्जू और देखना भी नहीं। बिल्कुल सही कह रही है आपी। आपी वो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? देखो उल्टा सीधा सवाल मत पूछना, पता नहीं आलिया को तुम में क्या नजर आता है। लगता है उसकी आलिया की ना नजर कमजोर थी। वो आप ही ये मुझे बताएं, मेरे और आलिया के दरमियान जो मोहब्बत की दीवार है उसे मैं कैसे पार करूं? देखो ये दीवार बहुत ऊंची है, घोड़े पे बैठ के आओ और ये दीवार पार कर जाओ। समझ आई? उनके कहने का मतलब था बैरात पे आते ना, बरात पे घोड़े पे बैठ के टक 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 टक, उस पे बैठ गया फिर पार होगी। आशी क्या हुआ, फिर से वही बातें दिमाग में आ गई? अभी मैं तो हकीकत बता रही हूँ, आप तो जानती हैं कि दादी के सामने कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। कहती तुम ठीक हो, लेकिन आशी हम उम्मीद भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन आप ही कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। दादी ने अगर जिद करके कुलम को बुला लिया तो? अभी तक तो नहीं बुलवाया ना। लेकिन आप ही लेकिन कुछ नहीं आशी, जो बात अभी हुई नहीं उसके बारे में सोच के परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, बड़ी बातें शाते हो रही हैं, कहीं कोई बाहर जाने का प्लान तो नहीं है? वो तो आप बनाएंगे। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन पहले ये तो पता चले कि मैडम का मूड क्यों खराब है। खैर ये बताओ कि अम्मी ने आज क्या बनाया है? अभी तक कुछ नहीं बनाया, तैयारी चल रही है। भाई अगर आपको भूख लगी है तो मैं चाय के साथ शामी कबाब फ्राई कर दूं? अरे नो, आज हम खाना बाहर से लेकर आएंगे। ठीक है, वैसे भी इनको ट्विस्टर और जिंगर बर्गर बड़ा पसंद है ना। चलें भाई आप लोग बातें करें, मैं अम्मी की हेल्प करा देती हूँ किचन में। नहीं तो लगता आप इस मोहल्ले में नहीं आई हैं। आप बिल्कुल भी गलती पर नहीं, लेकिन बात शुरू करने का कोई नया जुमला नहीं मिला था आपको? हाँ वो जुमले तो बहुत हैं मेरे पास, लेकिन मुझे लोगों की खिदमत करने का बहुत शौक है, बस मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था आपसे। हो गया कंफर्म, अब आप मेरी क्या खिदमत कर सकते हैं? मैं हर तरह के काम कर सकता हूँ, अज्जू नाम है मेरा, सुना तो होगा? नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, मैं बड़ा सोशल वर्कर हूँ, मुझे बहुत शौक है सोशल काम करने का। आप सिर्फ लड़कियों की हेल्प करते हैं? मैं सिर्फ औरतों की मदद करने पे ही यकीन रखता हूँ। अगर आपको मेरी ये ऑफर बुरी लगी है तो मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, वैसे मेरा मकसद ये नहीं था, लोगों के काम आना बस मेरा शौक है। आप अपनी फजूल बातें बंद करें। मुझे लगता है आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपको बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं कर रही, मुझे और भी बहुत काम। अरे उन्हीं कामों में तो मैं आपका हाथ बटाना चाहता हूँ, सामने वाले घर में रहता हूँ, किसी भी बच्चे को भेज के मुझे बुलवा लीजिएगा, अज्जू नाम है मेरा, वैसे इस पूरे मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत है। तो इस इज्जत को कायम रखिए, ऐसा ना हो कि मैं आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दूं। अरे आप तो बुरा ही मान गई। शुक्रिया। शुक्र है किसी ने देखा नहीं।
भाभी भाभी वकार को क्या हो गया? मुझे लगता है उसने कहा था ना कि मैं और निगत मिलकर हैंडल कर लेंगे। मेरे ख्याल से वकार वही सोच रहा है और वैसे ही कर रहा है। लेकिन भाभी इन दोनों बच्चों को आप जानती हैं, अम्मा जान के सामने कुछ बदतमीजी कर दी तो, और निगत को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। अरे नहीं तबस्सुम, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा के सामने तो हम लोगों की आंख उठा के बात करने की हिम्मत नहीं। फिर भी मैं वकार को समझाऊंगी, तुम परेशान मत हो। लेकिन भाभी आज आपने बहुत अच्छा किया कि हिम्मत करके बात को संभाल लिया। अरे भाई तुमने भी तो मेरा साथ दिया, इसलिए मेरी भी हिम्मत हुई। भाभी आपकी हिम्मत को देखकर ना मुझे भी हौसला आ गया। और वैसे हमने भी तो कोई गलत बात नहीं की ना, और मेरा ख्याल है वकार भी कोई गलत बात नहीं कर रहा। बस तबस्सुम दो दिन तक तो बात टल गई, लेकिन दो दिन के बाद क्या? अगर खुर्रम ना आ रहा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो आ जाएगा तो फिर क्या होगा? भाभी जिस तरह आज बात टल गई, दो दिन बाद भी कोई ना कोई बहाना लगाकर बात को टाल ही सकते हैं ना। बहाने कब तक चलाएंगे हम लोग तबस्सुम? ये बात तो सही है भाभी कि बहाने कब तक चलेंगे। चलो अल्लाह मालिक है, तबस्सुम अब मैं चलूंगी। अरे नहीं भाभी ऐसे कैसे, खाना तैयार है, आप खाना खा के जाइए ना, अम्मा ने भी नमाज पढ़ ली होगी मेरा ख्याल है। नहीं तबस्सुम खाना फिर खा लेंगे। अरे तो खाना तैयार है ना, खा के जाइए। चलो फिर सही। अबे पागल है क्या, मरेगा क्या? बेटा मरेगा तो कोई और है, बाइक के ऊपर मैं बैठा हूँ और तू ऊपर आ रहा है, मरेगा कोई और? बेटा इस दफा जो बाइक के ऊपर है ना वो मरेगा। अबे कैसी भेकी भेकी बातें कर रहे तू? बेटा अकल तो मुझे आप भाई है, दोस्तों से धोखा खाने के बाद। तो कौन सी फिल्म देख के आया तू? बेटा फिल्म तो काफी देर से चल रही थी, वाइंड अप होना भी बाकी है। मैं समझा नहीं। लेकिन मैं तुझे समझ गया। अबे क्या पहेलियां बुझवा रहे तू? पहेलियां तो अब सुलझेंगी। तेरे पास भाई हर बात का जवाब है, मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले ये बताता जा कि मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था गुड्डू। गुड्डू तेरी तबीयत तो ठीक है, किस नाम से पुकार रहा है तू मुझे? उसी नाम से जिसने मेरा नाम और किरदार उस लड़की के सामने बुरा करके पेश किया। नाम बिगाड़ना गलत बात है, लेकिन तेरे किरदार में मार्जिन जरूर है। वैसे लड़की कौन है? जिसके नाम पे बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं और सब हिट भी हुई हैं, हिना। अच्छा अपनी नई वाली हिना? अरे अब अपनी कहाँ रही, तुम लोगों ने तो मेरा पत्ता ही साफ कर दिया गुड्डू बन के। गुड्डू? ये गुड्डू कहाँ से आ गया? यार तेरी कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं कर। पक्की बात? पक्का सीमेंट वाला पक्का यार। चल फिर। लेकिन कहाँ? तुझे गुड्डू से मिलाता हूँ, निकल। अच्छा चलो फिर चलते हैं। अबे ये देख मोबाइल पे लगा हुआ है। भाई बस ये मोबाइल मेरे पास है, ये ले लीजिए आप। अबे आंखें खोल, हम लोग आए। मैं समझा शायद मोबाइल के असल मालकान आ गए। बेटे हम तेरी जान लेने आए हैं। आलिया जी के बारे में अगर तूने कोई गलत बात की ना फरार, मेरा मतलब है टीपू, तो अच्छा नहीं होगा। अबे आलिया बीच में कहां से आ गई? इसने भी कहा मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ, तो आलिया जी तो मेरी जान है। बेटा इस वक्त एक्शन सीन चल रहा है, रोमांटिक डायलॉग ना बोल। अब इसे पता नहीं क्या हो गया, कैसी बातें कर रहा है, बकवास बंद कर। मेरी आंखों पे बंदी एतबार की पट्टी खुल गई अब। मैंने तुझे अच्छा दोस्त समझा था और तूने मेरी पीठ पे छुरा खोपा। ओ फरहत देखियो तो इसकी पीठ में कोई छुरा वगैरह लगा हुआ? झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। देखा बेटे ये मैंने महावरतन बोला है, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त की जिंदगी में गुड्डू बन के आता है तब ये मुहावरा कहा जाता है। अबे कौन सा गुड्डू? वही गुड्डू जिसने मेरी जिंदगी का खाता हिना के सामने ऐसे खोल के रख दिया जैसे दुकानदार गाप के सामने कपड़े का थान खोल के रख देता है। बिल्कुल ऐसे, बाजी नया कपड़ा आया है गारंटी के साथ है, वो भी मुनासिब रेट में। ओए तू अपनी दुकान बंद कर, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझसे गलती हो गई।
गलती की सजा भी होती है। यार मुझे मारना मत। बेटे तेरे लिए तो मौत की सजा भी कम है। एक लड़की के लिए दोस्त को धोखा दिया, मुझे तो घिन आ रही है तुझे दोस्त कहते हुए। यार तू फिल्मों से बाहर आ जा और बस कर, इसे अब माफ कर दे। मैं तुझे एक शर्त में माफ करूंगा, वो ये है कि तुझे हिना के सामने ना मेरी तारीफों के पुल बांधने पड़ेंगे। ओ पुल तो क्या, मैं अंडर बाईपासेस भी बांध लूंगा दोस्त। ये चीज हाँ। अमीन मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात करना है बेटा, खैर तो है? अम्मी ने हमें शादी वाली बात क्यों नहीं बताई? अरे बेटा इसलिए नहीं बताई थी कि तुम लोग परेशान ना हो जाओ। लेकिन तुम्हें किसने बताई? निगत ने। और बताने के साथ साथ उसने हमसे ये वादा भी लिया कि हम टेंस नहीं होंगे। और कब बताई? आज शाम को बताया। और दादी ने चची जान को इसी सिलसिले में बुलाया है। दादी की तबीयत तो ठीक रही ना? अल्लाह का शुक्र है कि दादी ने सब सुना और तबीयत भी ठीक। लेकिन अम्मी आगे क्या सोचा आप लोगों ने? फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा। अब वकार आएगा तो देखो क्या कहता है। और भाई कब आएंगे? हाँ तो उसने जल्दी आने को कहा। मीटिंग कब है उनकी? मीटिंग तो कल है। देखो क्या बात होती है, क्या बताया है। अम्मी कोई भी बात हुआ नहीं ना, आप हमें बता दिया करें, हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। बेटा धोखे चढ़ा दो मुझे। बस हुआ करो, नहीं सोचा करो।